चलो ठीक है सर, ठीक है, ओके जी, डन हो गई डील, अब तो कैमरे में भी प्रूफ आ गया। ओके जी, किद्दा कैंड सारे आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बैक टू अवर छुटकी, लेकिन सारा कुछ फाइनल हो गया हुआ है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, मतलब कि जैसे प्लान किया है वैसे चला, तो अगले हफ्ते गाड़ी अपने पास आ जाएगी। बस जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो अब वो सारी करनी है। हुआ क्या है पूरी डील में, अगर उसको समअप में किया जाए कि गाड़ी भी अपग्रेड हो गई और जो इसका मंथली बोझ है वो भी कम हो गया, और जो ये छुटकी है ये उल्टा अपने को थोड़ा बेनिफिट दे के जाएगी। इसलिए मैंने ये सारी डील एक दो दिन में पूरा कैलकुलेशन करके डिसीजन ले लिया। हालांकि पिछले व्लॉग में बहुत से लोगों ने लाइक मिक्स फीडबैक आई है, किसी ने बोला किसी ने यस, किसी ने बोला नो, लेकिन मुझे डील बहुत सही लगी सारी कैलकुलेशन में ला के। इसलिए अभी हम पहुंचे हैं सेक्टर कौन सा भाई, राम दरबार, क्योंकि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ ये उसके फाउंडर हैं। आई एम स्टिल ह्यूमन एंड ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर भवप्रीत। हम जो अपना किसान आंदोलन चल रहा है उसके लिए हम कंबल और अपनी जो शॉल वगैरह होती है निकली, और वहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने के लिए, जैसे कि कंबल और लेडीज़ के लिए जो हमारी शॉल वगैरह होती है वो लेने के लिए हम आए हैं, ताकि हम वहाँ पे दे पाएँ। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ कंबल ऐसे ले रहे हैं जो नीचे बिछाए जा सकें, ताकि नीचे बैठते वक्त भी ज़मीन ठंडी ना लगे। दूसरी तरह ले रहे हैं जो ऊपर वाले, जो ऊपर ले जा सकें जिनसे ठंड, क्योंकि आगे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दो गाड़ियां भर के जा रही हैं, एक ये वाली और एक जो अपनी छुटकी है। वो सारे कंबल दोनों गाड़ियों से निकाल के एक बार यहीं पे आज रात के लिए यहीं पे रखने हैं, जो हमारी टीम के मेंबर हैं उनके घर पे, क्योंकि ये कल सुबह जाएंगे। कल सुबह हमने जाना है क्योंकि आज लेट हो गए, तो आज इतना आधा कि मेरा प्लान था आज जाने का, लेकिन आज वो पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए हम कल सुबह जाएँगे और दोबारा भर के फिर हमें जाना है उनकी तरफ। थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है भाई। लाइक ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसलिए इनके साथ जुड़ा हूँ। ये क्या करते हैं, जो ये लाइक इनके अपनी एक आईटी कंपनी है, उसमें से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 30% ये इनका जो एनजीओ है आई एम स्टिल ह्यूमन उसमें देते हैं। कोई बात नहीं, आज फोर्ड इको स्पोर्ट हमने फाइनल की है, कोई बात नहीं, भगवान मेहर करे, वाहेगुरु साथ दे, आप अपना प्यार दे, माँ अपना आशीर्वाद दे, एक दिन मस्टैंग भी फाइनल करेंगे, कोई चक्कर नहीं। अभी ऋषि की एक्सप्रेस निकल रही है फिर दोबारा जलंधर के लिए। मैं भूल गया था कहाँ जा रहा हूँ। कंबल लेके दोस्त के घर रख के हम गए जलंधर ले, और वहाँ पे बहुत एंजॉय किया हमने। क्या बताऊँ मैं तुझसे कि कितनी मोहब्बत करती हूँ, क्या बताऊँ कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, खुद ही होकर नाराज तुमसे खुद ही को मना लिया करती हूँ। यार ये बहुत डीप लिखती है भाई, भाई बहुत। वक्त बदला, लोग बदले, शौक बदले, तरीके बदले, बदला बहुत कुछ पर आशिक नहीं बदले। बिछड़ने के बाद छुप छुप के देखना पहले गलियों में था और प्रोफाइलों में है। ये सारा एंजॉयमेंट अगले व्लॉग में, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी बात पहले वो कर लेते हैं कि जलंधर से मैं सीधा निकला दिल्ली के लिए। अभी वहाँ से फटाफट घर आके कपड़े चेंज करके मैं फिर दोबारा निकल गया हूँ। मेरी सच में पूरी बैंड बजी है, पूरी बैंड बजी है, एक तो नींद पूरी नहीं है, है ना, ऊपर से लाइक ड्राइविंग करके बैंड बजी है, लेकिन जहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा हूँ, जो कल अपने कंबल लिए थे ना वो आगे देने जाने हैं, जाना है कंबल उठाने हैं और फिर वापस उठा के आगे जाना है। होगी फुल गाड़ी, दोबारा हमने लोड कर लिया, एक गाड़ी अपनी होगी, एक गाड़ी पीछे आ रही है, और हम निकल चुके हैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी बनती है। एंड आई एम स्टिल ह्यूमन फाउंडर इज़ ऑल्सो विद मी, और एक मैसेज जो मैं देना चाहूँगा कि चाहे जितना मर्जी जो कोई भी अगर इस मुद्दे को भटकाना चाहे, कोई इसके बीच में रिलीजन लेके आना चाहे, तो हमें ध्यान रखना है, हमें भटकना नहीं है, क्योंकि उनका मकसद ही यही है कि उन्हें भटकाना है। जहाँ उन्होंने भटका दिया वो अपने मकसद में कामयाब हो गए,
हमें भटकने नहीं देना, क्योंकि मैं पीछे से जब गाड़ी लेके आ रहा हूँ मैं देख रहा हूँ बहुत से हमारी ट्रॉलियाँ, बहुत से हमारा जो वो बलैरो होती है ना, बलैरो भर के जा रही हैं। पूरा ऐसे सेटिंग की हुई है जैसे पूरा घर का घर जा रहा है, बहुत सामान जा रहा है। तो जो ये इतनी मेहनत, इतने दिनों की मेहनत है, उस मेहनत को ऐसे ही कायम रखना है, भटकना नहीं है, बस ये एक मैसेज देना मैं चाह रहा था। ये देखो रात का टाइम है, अभी भी पूरी ट्रॉलियां भर भर के जा रही हैं। टाइम हो रहा है जी 10:30, हम पहुंच गए हैं मानेसर के पास, जहां से वो डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक मानेसर के लिए। लेकिन यहां से हमें अभी हमें पता नहीं हमें करना है क्या, हमें पूछना पड़ेगा। यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और हमें उनको आईडीज वगैरह दिखा के सीधा जाना है। सीधा जाना ये किसानों के लिए कंबल वगैरह लेके आए हैं, वो बांटने जाना है जी। ये पूरी गाड़ी भरी हुई है जी। चलो थैंक यू जी। बिल्कुल पूछ के जाने दे रहे हैं, और जो ये गाड़ियां हमारे आगे जा रही हैं उनको भी पूछ के जाने दे रहे हैं। लेकिन बस ये है कि जो फार्मर्स की अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उन्हीं को ही जाने दे रहे हैं, यानी कि वो जो झंडा वगैरह गाड़ियों पे आप आगे लगा हुआ है उनको बड़ी आसानी से जाने दे रहे हैं आईडी वगैरह चेक करके। और हमें तो इन कंबलों के कारण जाने दिया, हालांकि हमारी गाड़ी में कोई झंडा नहीं लगा हुआ। हम पहुंच चुके हैं उसी प्रॉपर प्लेस पे, उस बैरियर को क्रॉस करके तुम आगे सीधा जाके प्रॉपर वहाँ पे पहुंच जाते हो जहाँ पे हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, फार्मर्स बैठे हैं। और अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है, सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने हाई नेक पहनी है, मुझे तब भी ठंड लग रही है। ये देखो कैसे पेट्रोल पंप पे बाहर ही सो रहे हैं ना, जस्ट इमेजिन कि इतनी ठंड में भी ऐसे, चाहे जितना मर्जी कंबल वगैरह ले रहे हो लेकिन इतनी ठंड में भी बाहर सोना कितना मुश्किल है। ओह माय गॉड, कैसे यहाँ पे बिल्कुल जैसे बिल्कुल ओपन ही बैंक है, बैंक की बाहर थड़ियों में मेरे भाई लेटे हुए हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आई गॉट इमोशनल ब्रो, पीपल आर थैंकिंग अस फॉर लाइक। और सबसे अच्छी बात है कि कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही, तो भी वो कोई लड़ाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कोई ना मिल बांट के कर लेंगे। हाँ, तो यूनिटी दिख रही है, ये देखो आप देख सकते हैं कईयों के पास है कईयों के पास नहीं है। वो देखो भाई के पास, भाई इसके ऊपर ले आओ, इसके ऊपर कंबल डाल देते हैं, देखो कैसे ओपन है बस ऐसे ही। अब नाउ जस्ट इमेजिन कि भगवान ना करे कि यहाँ पे रात को बारिश आ जाए तो क्या हाल होगा। जस्ट इमेजिन ओपन में ही ऐसे ही ओपन में ही सो रहे हैं। ओह माय गॉड यार, यहाँ साथ ही पूरा जो भी खाने पीने का, पूरा लंगर का, पूरा जो भी इंतजाम है वहाँ पे सारा किया हुआ है, और कोई भी मनाही नहीं है, कोई भी आके खा सकता है। पूरा यहाँ पे अपना खुद ही ला रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं यहाँ पे, जो भी जैसे कि जो भी लोग अपनी तरफ से जो भी हल्की फुल्की मदद कर रहे हैं। ये देखो ये मेरा भाई जो अपना कैंपिंग में स्लीपिंग बैग होता है उसी में ही सो रहा है। ट्रॉलियों के नीचे सो रहे हैं यहाँ पे देखो। कभी कभी ऐसी ऐसी सिचुएशंस देख के ना समझ नहीं आता कि बंदा क्या बोला क्या जाए, कैसी सिचुएशन देख के ना समझ नहीं आता बोला क्या जाए। इन हिम्मत देख के ना बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, हिम्मत देख के, मतलब कि अभी ठंड है ना, बहुत से लोग अपनी गरम गरम निग्गे पूरी रजाइयों में निग्गे होके सो रहे होंगे, है ना। किसान भाई अपने हक की लड़ाई के लिए इतनी ठंड में बिना छत के, और यार खुले में इन कंबलों से क्या ठंड रुकती है। ये सारी रात ऐसे काम यहाँ पे चल रहा है, हर कोई बंदा अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहा है। ये मच्छरों के मारने की दवा छिड़की जा रही है, टोमेटो पूरी रात टोमेटो गरम सूप की भी सेवा चल रही है, वही अगेन ठंड से बचाने के लिए। लाइक लाइफ में पहली बार मैंने सुना है कि ऐसा भी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है इतने शांतिपूर्वक तरीके से। अब ऐसी हिम्मत को देख के क्या आपको लगता है कि ये लोग पैसे लेके आए हैं? पैसे लेके आके कौन ऐसे सोता है? जो ये बोल रहे हैं ना कि ये पैसे लेके आए हैं लोग, इन लोगों ने पैसे लिए हैं और ये इसलिए बोल रहे हैं। हम निकले हैं वापसी के लिए, लेकिन जैसे जैसे हम जा रहे हैं इधर भी ट्रॉलियां खड़ी हैं, इधर भी ट्रॉलियां खड़ी हैं, ट्रॉलियों के नीचे लोग सो रहे हैं। मतलब यार ये सारिया इन्होंने अपनी ट्रॉलियों को ही पूरा अपना घर बनाया हुआ है।
हर ट्राली में घर बना हुआ है, हर ट्राली में कुछ ना कुछ नीचे लोग सो रहे हैं। और ये लोग, मैं वही बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा जो बात फेक न्यूज़ मीडिया में फैलाई जा रही है कि लोग पैसे दे के आए हैं, ये लेके आए हैं, ये है वो है, पैसे लेके जो रैलियों में लोग जाते हैं वो सिर्फ वो उधर जिधर नजर दौड़ा लो भाई, जिधर नजर दौड़ा लो। इतनी ठंड में सोना, पैसे लेके लोग इतनी ठंड में नहीं सोते, बस रैलियों में नारे लगा के ना घर चले जाते हैं। ये ठंड तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, अपा कंबल लेके आए थी सारे। नहीं 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 नहीं, लोड तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, पक्की गल है, एक रख दिए जे लोड पे तो यूज कर दो। नहीं नहीं नहीं, लोड चलो ठीक है, ठीक है भाई। मैं ये पॉइंट है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उनको ठंड नहीं लग रही, उन्होंने नहीं लिया कंबल, ये मेन पॉइंट है। लाइक कोई वो नहीं हो रहा लाइक दे दो कंबल दे के दे दो, वो नहीं हो रहा, उनको नहीं लग रही तो अगलों ने नहीं लिया, किसी और के काम आ जाएगा जिसको ठंड लग रही। हम पहुँचे हैं वहाँ पे, सारे कंबल वगैरह दे के हम पहुँचे हैं 70 माइलस्टोन। टाइम हो रहा बारात के 12:40। सुबह से कुछ नहीं खाया था, सुबह से बस जो बस वो अभिषेक के घर जो बस थोड़ा सा कचौरियाँ खाई थी दो, उसके बाद अब खा रहा हूँ। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइविंग होगी, लेकिन ऐसा माहौल देख के बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। लाइक लेडीज़ वहाँ पे बैठी हुई हैं, बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड है। पेट पूजा हो गई है, टाइम हो रहा है 1, अब हम निकल रहे हैं नॉन स्टॉप चंडीगढ़ के लिए, नॉन स्टॉप निकलना है। मैं आपको मिलता हूँ चंडीगढ़ पहुँच के, 4:30 के आसपास सुबह पहुँचेंगे बैक टू हाउस। लेकिन आज का एक्सपीरियंस बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है, लाइफ में पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है, बहुत बहुत इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन मिली। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:10, मेरी आज बैंड बजी हुई है, गाड़ी चला चला के पहले वहाँ जलंधर से वहाँ से फिर अभी वापस, और एक और सीन है। 4:10 हो गए और मुझे कल सुबह शादी पे जाना है, 8:30 निकलना है। और अभी जो सारा व्लॉग बना ताकि कल मैं आपको शाम को 7 व्लॉग दे पाऊँ, जो भी 7 आया है, मुझे अभी पहले एडिटिंग करके फिर सोना है, फिर 8:30 के शादी पे जाना है। आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, क्या आपके व्यूज़ हैं इस व्लॉग के बारे में, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग्स कुछ नवी खप लेके। और जो बीच में जलंधर गए थे ना, वो पार्ट मैंने काट दिया, वो आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखाएंगे, क्योंकि वो व्लॉग भी बहुत अच्छा बना है, लेकिन इस व्लॉग में मैंने डाला नहीं।